अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। चलिए आज हम बनाने वाले हैं ब्रेड बॉल्स एंड बटर चिकन विद रुमाली रोटी। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने बटर चिकन के लिए 700 ग्राम चिकन ले लिया है। इसको अच्छे से वॉश करिए। इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाइए, फिर रेड चिल्ली पाउडर, इसके बाद टेस्ट के हिसाब से नमक मिलाइए, सॉल्ट, ये 1 कप दही है, मीठा दही है ये, कर्ड, और ये नींबू का रस है, ये 1 नींबू का रस है। अब इसको मिक्स करेंगे, हाथ से ही मिक्स करिए आप। हाथ को अच्छे से वॉश करिए, उसके बाद अच्छे से मिक्स करिए पूरा मसाला, चिकन की हर एक बोटी को लग जाना। आप चाहे तो स्पून से भी मिक्स कर सकते हैं, अच्छा मसाला मिलने के लिए आप हाथ से ही मिक्स करिए। अब इसको रेस्ट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर बटर डालिए कढ़ाई में, अच्छा ज़्यादा बटर ही डालिए क्योंकि हम बटर चिकन बना रहे। और ये कुछ खड़े मसाले हैं, काली मिर्ची, साबित काली मिर्ची है, लौंग है, हरी इलायची है, जावित्री है, और ये कटी हुई प्याज, 1 कटी हुई प्याज है ये, ऑनियन। गैस का फ्लेम लो रखिए, हाई मत रखिए। और ये कटे हुए टमाटे हैं। अब इसके अंदर हम लहसुन की कलियां मिलेंगे, 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं ये। और ये बादाम, आप चाहे तो काजू भी ऐड कर सकते हैं, काजू बादाम दो भी ऐड कर सकते हैं, हम यहाँ पर बादाम ऐड करें। गैस का फ्लेम लो रख लिए, हाई मत रखिए। अब ये हरी मिर्ची है, आप लोग जितना तेज खाते हो उस हिसाब से हरी मिर्ची डालिए आप। फिर से मिक्स करिए इसको अच्छे से, लो फ्लेम पर ही रखिए। अब इसके अंदर हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। हल्दी पाउडर, और ये नमक, नमक आप टेस्ट के हिसाब से डालिए। फिर से मिक्स करेंगे इसको, फिर से ये बटर चिकन की ग्रेवी है, ये ग्रेवी मसाला बन रहा है। इसको रेस्ट के लिए रख दीजिए थोड़ी देर। देखिए अच्छे से पक रहा है ना मसाला, लो फ्लेम पर ही रखिए, ढक के रख दीजिए। इसका टमाटर का पानी छूटता थोड़ी देर, अभी थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दीजिए साइड में। अभी देखिए हमारा चिकन अच्छे से सेट हो गया है मैरिनेट। अब इसको हम तवे पे बटर डालिए, अच्छा खासा बटर डालिए। अब एक एक करके चिकन के बोटियां डालेंगे। बटर आप अच्छा डालिए क्योंकि ये बटर चिकन ही है। एक एक करके सारे बोटियों को रखिए तवे पे, आराम से रखिए। देखिए ऐसा ये बटर का पक रहा है, बटर चिकन बन रहा है। अब इसको थोड़ा पलटाएंगे, नीचे वाले साइड भी पकना। एक एक करके सा चिमटे की हेल्प से पलटाइए। देखिए पूरा पानी चिकन का अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया चिकन में। अब हम ये जो मसाला बनाए थे ग्रेवी के लिए ठंडा हो गया, इसको एक मिक्सर में पीस लेंगे। गरम मसाला मत पीसिए, थोड़ा ठंडा करके पीसिए।
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखिए अच्छे से ग्रेवी बन गया रेडी है, मसाला अच्छे से बन गया हमारा पेस्ट। अब हम कढ़ाई में बटर डाल लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखिए। बटर अच्छे से मेल्ट हो गया बाद इसके अंदर हम ग्रेवी ऐड करेंगे, वो जो पीसे थे। देखिए जितने भी ग्रेवी बनाए थे वो अच्छे से फ्राई कर लेंगे बटर में। इसमें आप लाल मिर्ची पाउडर ऐड करिए, आप चाहे तो कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर भी ऐड कर सकते। फिर से उसको मिक्स करेंगे। अब इसमें हम चिकन के पीसेस ऐड कर देंगे। देखिए ऐड कर डाले। अब इसमें हम अमूल फ्रेश क्रीम ऐड करेंगे टेस्ट के लिए, से अच्छा फ्लेवर आता है। और ये धनिया के पत्ते, खुदमिर गार्निश वाली रोटी का आटा बनेंगे। मैदा है, मैदे के अंदर नमक डालिए आप, 1 कप मैदा है ये, इसमें नमक और सोडा डाल के भिगाइए। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालिए, इसके बाद भिगाइए मैदे को। देखिए हमारा मैदा बन गया, उसको रेस्ट के लिए रख देंगे जब तक अपन ब्रेड बॉल्स बनेंगे। ये ब्रेड है, ब्रेड के स्लाइसेस है, उसको ऐसा चूरा चूरा श्रेडेड करिए और वो उबले हुए आलू है, उबले हुए आलू को अच्छे से मैश करिए। बॉयल पोटैटोज है वो। देखिए ब्रेड को ऐसा पूरा चूरा चूरा कर दीजिए। अब ये उबले हुआ आलू जो है उसको मैश करके ये ब्रेड के उसमें मिला दीजिए। अब इसके अंदर हम मसाला डालेंगे, ये रेड चिल्ली पाउडर है और ये चिल्ली फ्लेक्स है, कूटी हुई लाल मिर्च और ये काली मिर्ची पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर और ये नमक। नमक आप आपके टेस्ट के हिसाब से ही डालिए। और ये कॉर्नफ्लावर है, मकई का आटा। अब इसको अच्छे से मिक्स करिए। देखिए इसको रेस्ट पे रख देंगे। अब हम ये रुमाली रोटी की रोटी बनाएंगे। इतनी थिकनेस है इसका, इतना पतला पतला रहना चाहिए रोटी, क्योंकि हम घर में बना रहे हैं रुमाली रोटी। अब इसको तवे पे सेकिए। गैस का फ्लेम हाई रख के तवे को अच्छे से गर्म होने दीजिए। कच्चा तवा रखे मत से ये रोटी चिपक जाती, उससे रोटी फट भी सकती। इसको पलटाइए, ऐसी करके सारे रोटियां आप रेडी कर लीजिए। अब हम ये ब्रेड बॉल्स बनाएंगे। आप आपके हथेली को तेल लगाइए, ऐसा दो भी हथेलियों को तेल लगाइए, ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे, जंपिंग बॉल के ऐसा छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। ज़्यादा बड़े मत बनाएंगे, ऐसे छोटे नॉर्मल साइज के बनाइए बॉल्स को। खाने में बहुत टेस्टी रहते हैं, स्नैक्स में यूज़ कर सकते हैं, अभी टी टाइम पे यूज़ कर सकते हैं आप। बहुत टेस्टी एंड क्रिस्पी बने थे ये बॉल्स। चलिए हमारे पूरे बॉल्स रेडी हो गए, ब्रेड बॉल्स। अब इसको हम फ्राई करेंगे। ये मैदे का घोल है, इसमें आप मैदा लीजिए थोड़ा, उसमें थोड़ा सा पानी ऐड करिए और ये ब्रेड क्रम्स है, ब्रेड क्रम्स अच्छे से मिलाइए उस पर। अच्छे से बॉल को लग जाना चाहिए ब्रेड क्रम्स, तो अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी टेस्ट आता। अब हम कढ़ाई में तेल डाल के अच्छे से फ्राई कर लेंगे। याद रखिए आप तेल गर्म हो गए बाद गैस का फ्लेम लो रखिए। उसके बाद ये सेकेंड बॉल ऐसे ही करके आप पूरे बॉल्स फ्राई करिए। ये फर्स्ट राउंड है ब्रेड क्रम्स के बॉल्स का है ये।
देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करिए, डार्क गोल्डन ब्राउन। इसको निकाल लीजिए, ये फ्राई हो गए, अब आराम से निकालिए। देखिए कितने अच्छे क्रिस्पी क्रिस्पी बने, एकदम टेस्टी। अब हम सेकेंड राउंड तलेंगे, ये बगैर ब्रेड क्रम के और मैदे के घोल के है। इसको हम ऐसे ही फ्राई कर रहे हैं जैसे हम बॉल बनाए थे, वैसे ही प्लेन है ये, वैसे ही फ्राई करिए। इसको भी अच्छे से फ्राई करिए गोल्डन ब्राउन हुए तक। देखिए अब इसको थोड़ा पलटेंगे, नीचे वाली साइड भी फ्राई होना। आप चाहे तो ऐसा भी बना सकते हैं ब्रेड क्रम्स के साथ, या फिर बगैर ब्रेड क्रम्स के भी बना सकते हैं। ब्रेड क्रम्स के बनते ज़्यादा टेस्टी बनते, क्रिस्पी बनते। चलिए ये भी हमारे फ्राई हो गए, इसको भी निकाल लेंगे आप। चलिए हमारी डिश अल्हम्दुलिल्लाह रेडी है, बटर चिकन विथ रुमाली रोटी एंड ब्रेड बॉल्स विथ केचप एंड मायोनीज। आप लोग इसको चटनी के साथ में भी खा सकते हैं, पुदीने की चटनी के साथ में भी खा सकते हैं स्नैक्स टाइम पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस, आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ में, जब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।